हमारी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अपने निर्माण के समय गरीबी और बेरोजगारी का सामना किया था, लेकिन आज वे देश दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश बन गए हैं। जैसे अमेरिका, चीन और सिंगापुर जब दुनिया के मैप पर आए थे तब ये सब एक गरीब देश हुआ करते थे, लेकिन आज ये सभी देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इन सभी देशों की जीडीपी लगातार बढ़ रही है और इन देशों के अलावा दुनिया भर के बाकी देशों की जीडीपी भी धीरे धीरे बढ़ ही रही है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देश दुनिया के सबसे अधिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं, फिर भी उनकी विकास दर भी बढ़ रही है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश मौजूद है जो एक समय दुनिया के सबसे अमीर देशों में आता था, पर आज वर्तमान समय में वो देश दुनिया के सबसे गरीब, पिछड़े और आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुके देशों की गिनती में आता है। इस देश का नाम नाउरू है, जो एक छोटा सा देश है। अगर वर्ल्ड मैप में आप इस देश को देखोगे तो ये आपको दिखाई भी नहीं देगा, इतना छोटा है। फिर भी साल 1970 के दशक में इस देश में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन $50,000 से ऊपर था। अब 2022 में भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन $2,200 के करीब है, लेकिन 1970 में नाउरू देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन का अंदाजा लगाकर आप इस देश के वेल्थ को समझ सकते हैं। वहीं 1970 में नाउरू सकल घरेलू उत्पादन में सऊदी अरब के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता था, लेकिन आज इस देश की 90% से अधिक जीडीपी खत्म हो चुकी है। इस देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तबाह हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि इस देश के साथ ऐसा क्या हुआ कि नाउरू देश की जीडीपी 90% तक गिर गई, और एक समय जो इतना अमीर देश था वो अब गरीबी का सामना क्यों कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कैसे नाउरू देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार हुआ था और आज नाउरू देश के 90% जीडीपी कैसे बर्बाद हो गई, कैसे नाउरू एक अमीर देश से गरीब देश बन गया, इसके क्या क्या अलग अलग कारण है, और भारत और मिडिल ईस्ट के देशों को नाउरू देश से क्या सीख मिलती है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो नाउरू दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित 8.1 वर्ग मील यानी 21 किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला एक छोटा सा देश है। यह देश वेटिकन सिटी और मोनेको के बाद दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। इसके साथ ही नाउरू दुनिया का सबसे छोटा द्वीप राष्ट्र भी है, जिसकी आबादी भी मात्र 11,445 के करीब है, और नाउरू देश का सबसे नजदीकी पड़ोसी देश किरीबाती में बनवा द्वीप है, जो पूर्व में लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं उत्तर पूर्व में 1300 किलोमीटर दूर सोलोमन द्वीप है। लेकिन नाउरू देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन इन सभी छोटे छोटे द्वीप राष्ट्रों से ज्यादा है। अब एक कहावत है कि किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधन उस देश के लिए वरदान होने के साथ उस देश के लिए अभिशाप भी होते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो मिडिल ईस्ट देशों में अत्यधिक मात्रा में क्रूड ऑयल और एलपीजी गैस पाई जाती है, और इन देशों की पूरी अर्थव्यवस्था क्रूड ऑयल पर ही निर्भर है। अगर क्रूड ऑयल खत्म हो जाता है तो इन देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। इन देश के लोगों को भुखमरी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि हर देश के प्राकृतिक संसाधन उसके लिए वरदान होने के साथ अभिशाप भी होते हैं, क्योंकि इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था मात्र उनके प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर हो जाती है। तो नाउरू देश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो पश्चिमी इतिहासकारों के मुताबिक नाउरू देश की खोज साल 1789 में यूरोपीय लोगों के द्वारा की गई थी। उस समय नाउरू में कबीले के रूप में कुछ संद लोग रहते थे, इस कारण इस द्वीप पर पूरी तरह से हरियाली मौजूद थी, और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण इस द्वीप को यूरोपीय लुटेरे सुखद द्वीप भी कहते थे। इस द्वीप का प्रमुख व्यवसाय सुअर पालना, नारियल और कृषि करना था। तो ब्रिटिश के आने के बाद ब्रिटिश लोगों ने नाउरू द्वीप पर कच्चे तेल की खोज करने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें इस देश में नहीं मिला। लेकिन साल 1900 में प्रोस्पेक्टर अल्बर्ट फुलर एलिस ने इस द्वीप पर उच्च श्रेणी के फॉस्फेट की खोज कर ली, जो इस द्वीप के 80% हिस्से पर मौजूद था। असल में यह डाई एमोनियम फॉस्फेट था, जिसकी पूरी दुनिया में मांग थी। साथ ही इस द्वीप पर हजारों सालों से पक्षियों के प्रवासन का स्थान होने के कारण और पक्षियों का सूखा मल और शैवाल भी काफी मूल्यवान थे, क्योंकि इसका इस्तेमाल ब्यूटी क्रीम में मिलाने और उर्वरक के तौर पर किया जाता था। वहीं द्वीप के किनारों पर समुद्री जीव के मल मूत्र की खाद और उनके अवशेष थे, जो खेतों में कीमती उर्वरक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे।
और काफी कीमती भी थे। फिर साल 1906 आते आते जर्मन लुटेरों ने इस द्वीप पर अधिकार कर लिया और पैसिफिक फॉस्फेट कंपनी के साथ मिलकर नाउरू के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया। शुरुआती सालों में इस छोटे से द्वीप से 80 मिलियन मैट्रिक टन फॉस्फेट का दोहन किया गया। कितना? 80 मिलियन मैट्रिक टन। लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी बुरी तरह से हार गया। इस कारण प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन ने मिलकर इस देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना शुरू किया। अब ऑस्ट्रेलिया के कब्जा करने के बाद हर साल फॉस्फेट का खनन पहले के खनन से 4 गुना ज्यादा हो गया। और इतना ही नहीं, इस देश के प्राकृतिक संसाधनों को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के किसानों को सब्सिडी की दर पर बेचा जा रहा था, यानी मार्केट रेट से कम भाव में इस देश के प्राकृतिक संसाधनों को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के किसानों को बेचा जा रहा था। तो दशकों तक हो रहे फॉस्फेट के खनन के कारण इस द्वीप के काफी प्राकृतिक हिस्से को बर्बाद कर दिया गया। इस कारण साल 1921 में नेशनल जियोग्राफी की मैगजीन में इस देश में हो रहे खनन को दुनिया का सबसे भयानक खनन करने का तरीका बताया गया तथा इस देश को कास्टली ट्रैक्ट ऑफ लैंड का नाम दिया गया। फिर भी इस देश में खनन बंद नहीं हुआ। लेकिन फिर दूसरे विश्वयुद्ध में जापान ने नाउरू पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर जनसंहार शुरू कर दिया। लेकिन जापान भी बाद में दूसरा विश्वयुद्ध हार गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वापस नाउरू पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब इस देश की आबादी बहुत कम हो गई थी। इस देश पर मात्र 600 नावरन लोग ही बचे थे। फिर भी संयुक्त राष्ट्र ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड को ट्रस्टीशिप के तहत इस देश को चलाने का प्रशासन दे दिया, जिसके बाद एक बार फिर फॉस्फेट का खनन शुरू हो गया, जो आने वाले सालों में और भी बढ़ता गया। यानी 1945 से 1968 तक इन तीन देशों ने मिलकर भारी मात्रा में फॉस्फेट का खनन किया। लेकिन 31 जनवरी 1968 में इस देश को ऑस्ट्रेलिया से आजादी मिल गई, जिसके बाद नाउरू एक स्वतंत्र और एक गणराज्य राष्ट्र बन गया। लेकिन साल 1968 तक नाउरू देश का एक तिहाई हिस्सा खनन किया जा चुका था और इन लुटेरों ने छोटे से देश नाउरू को कितना लूटा होगा, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। हरे भरे देश में चारों ओर सफेद चूने के पहाड़ और गहरे गहरे गड्ढे बन गए थे जब ये लुटेरे इस देश को छोड़कर गए थे। इन्होंने नाउरू की 60% कृषि भूमि भी खराब कर दी थी, साथ ही भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत भी नष्ट हो चुकी थी। और ऊपर से नाउरू देश ने 1968 में आजादी के बाद भी अपने देश के प्रकृति की स्थिति को सुधारने के बजाय फॉस्फेट के खनन को चुना। नाउरू ने आजादी के बाद भी भारी मात्रा में खनन शुरू कर दिया और उस समय नाउरू देश को फॉस्फेट के निर्यात से भारी मात्रा में विदेशी धन मिल रहा था। नाउरू देश की आबादी बहुत कम होने के कारण देश के सभी लोगों ने कृषि, मछली पालन और बागावती जैसे मुश्किल काम को छोड़कर खनन के क्षेत्रों में रोजगार करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते नाउरू देश की 90% आबादी खनन से संबंधित क्षेत्रों से जुड़ गई थी, क्योंकि ज्यादा विदेशी धन कमाने के लिए फॉस्फेट का खनन करना ही नाउरू देश को ठीक लगा। नाउरू ने भारी मात्रा में देश के बाकी हिस्सों से फॉस्फेट की खुदाई शुरू कर दी और फॉस्फेट की बढ़ी हुई कीमतों के कारण नाउरू देश फॉस्फेट के निर्यात से दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाने लगा। साल 1981 में नाउरू देश में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन $27,000 था, जबकि इस समय अमेरिका का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन $14,000 ही था। यानी एक नाउरू देश का व्यक्ति अमेरिका के व्यक्ति से 2 गुना अमीर था। वहीं 90% आबादी फॉस्फेट के खनन से जुड़ने के कारण देश में कृषि बंद हो गई थी और माइनिंग के कारण पूरे द्वीप की ऊपरी उपजाऊ परत नष्ट हो चुकी थी। इस कारण विदेशों से अनाज को मंगवाया जाने लगा था और अब इस देश में ज्यादातर अमीर आबादी होने के कारण लोगों ने डिब्बा बंद और जंक फूड का आयात करना शुरू कर दिया। लेकिन ज्यादा डिब्बा बंद और फास्ट फूड जैसे भोजन करने से इस देश के 94% से ज्यादा आबादी मोटी हो गई, जिसमें से 40% लोग टाइप 2 डायबिटीज और गुर्दे और हृदय की बीमारियों जैसे रोगों से ग्रसित हो गए। तभी तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार साल 1990 तक नाउरू देश दुनिया के सबसे ज्यादा मोटे लोगों और सबसे बीमार देशों में गिना जाता था। इसके अलावा प्राकृतिक संपदा का भी एक दिन अंत हो जाता है। इस तरह नाउरू देश में भी फॉस्फेट धीरे धीरे खत्म होने लगा था। नाउरू देश की पूरी अर्थव्यवस्था मात्र फॉस्फेट के निर्यात पर ही निर्भर थी। नाउरू देश में अनाज और पानी भी मात्र फॉस्फेट के निर्यात से ही खरीदा जाता था। लेकिन फॉस्फेट की कम होती मात्रा से नाउरू देश की अर्थव्यवस्था तबाह होने लगी थी।
फॉस्फेट की घटती मात्रा को आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। 1968 में जितना फॉस्फेट निकल रहा था वो 2001 आते आते एक चौथाई रह गया था, यानी साल 1990 में फॉस्फेट से देश की आय घटने लगी थी और नाउरू की ज्यादातर आबादी खनन क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, तो खनन क्षेत्र कम होने से देश में बेरोजगारी की दर भी बढ़ने लगी। वहीं खनन क्षेत्र में ज्यादा काम करने के कारण नाउरू देश में स्किल फोर्स की बहुत कमी थी और अपनी भौगोलिक स्थिति और छोटी सी जनसंख्या होने के कारण इस देश में उद्योगों का विकास भी नहीं किया गया और ना ही कोई निवेश किया गया। इस कारण खनन क्षेत्र खत्म होने से नाउरू देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने लगी थी। इस कारण नाउरू देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 1990 के दशक में ऑफशोर बैंकिंग का सहारा लिया। नाउरू में 400 विदेशी बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया। दुनिया का कोई भी नागरिक इन बैंकों में बिना नाउरू आए खाता खोल सकता था और कोई भी नागरिक निश्चित पैसे देकर नाउरू का आर्थिक पासपोर्ट ले सकता था। लेकिन इससे यह देश मनी लॉन्ड्रिंग के लिए टैक्स हेवन बन गया। नाउरू देश में मनी लॉन्ड्रिंग होने के कारण उसने काफी पैसा भी कमाया, लेकिन 2001 तक अमेरिका और FTF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दबाव में नाउरू देश को यह काम भी बंद करना पड़ा और 1995 में इस देश का सरकारी खर्च राजस्व खर्च से ज्यादा होने पर इस देश की अर्थव्यवस्था के बहुत बुरे दिन शुरू हो चुके थे। अब 1990 में इस देश की अर्थव्यवस्था $1.3 बिलियन की थी, जो 2001 में मात्र $0.3 बिलियन रह गई थी, यानी नाउरू देश ने अपने GDP का 90% हिस्सा गवा दिया था। इतना ही नहीं, नाउरू देश की अर्थव्यवस्था इतनी गिर चुकी थी कि नाउरू सेंट्रल बैंक भी दिवालिया हो गया था। वहीं नाउरू देश की विदेशी संपत्तियों को भी जब्त कर लिया गया, साथ ही नाउरू देश के हवाई जहाजों तक को जब्त कर लिया गया था। पूरे देश में बेरोजगारी की दर 90% तक पहुंच चुकी थी। इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी और 2005 में देश से फॉस्फेट पूरी तरह से खत्म हो चुका था और 1968 से 2002 तक फॉस्फेट के निर्यात से नाउरू देश ने लगभग $3.6 बिलियन कमाए थे। साल 1971 में जिस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन $50,000 के करीब था, वो देश 2004 आते आते दिवालिया हो चुका था, यानी इस देश ने अपने GDP का 90% हिस्सा गवा दिया था। और आज वर्तमान समय में ये देश ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोगों को रोकने के लिए शरणार्थी कैंप के तौर पर काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया शरणार्थियों को रोकने के लिए हर साल नाउरू को $4.3 मिलियन देता है, जिससे नाउरू देश अब मछली पालन, नारियल और इंडस्ट्रियल सामान का निर्यात करता है, यानी यह देश अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों की दया पर जी रहा है। तो यह घटना दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक अव्यवस्था की है, क्योंकि इस देश की अपनी पूरी GDP मात्र प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर ही निर्भर थी। प्राकृतिक संसाधनों के खत्म होते ही इस देश की GDP भी कम होने लगी। इस कारण नाउरू देश की अर्थव्यवस्था के हालात देखकर दुनिया भर के देश भी अपनी अर्थव्यवस्था को मात्र प्राकृतिक संसाधनों तक सीमित नहीं रखना चाहते। बाकी देश अपने नागरिकों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, वहीं देश में कई मेगा प्रोजेक्ट टूरिज्म स्पॉट का निर्माण कर रहे हैं। नाउरू की अर्थव्यवस्था के हालात को देखकर मिडिल ईस्ट के देश भी अपने देश की अर्थव्यवस्था को क्रूड ऑयल पर ना रखकर टूरिज्म और फिल्म इंडस्ट्री के तौर पर विकसित कर रहे हैं, साथ ही कई मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण भी कर रहे हैं। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।